सिंगरौली में अवैध रेत परिवहन को लेकर खनिज विभाग ने वाहनों की चेकिंग की, जिसके बाद 4 वाहनों को जब्त किया गया, जिसमें ओवरलोडिंग और अतिरिक्त ट्रॉली से रेत ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा था कि रेत का परिवहन करने वाले बड़े वाहनों के पीछे ट्रॉली में अतिरिक्त बाड़ी जोड़कर ओवरलोड रेत ढोने का कार्य जोर शोर से किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने खनिज विभाग को इन वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद देवसर एसडीएम विकास सिंह की अगुवाई में खनिज निरीक्षक कपिल मुनि शुक्ला मुनेन सिंह ने वाहनों की जाँच की और जाँच के दौरान 4 ऐसे हाइवा जब्त किए जो अतिरिक्त बॉडी में रेत ढोने का कार्य कर रहे थे। इस दौरान वाहनों में लगे एक्सटेंशन को काटने की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ओवरलोड वाहनों की वजह से सड़कें खराब हो रही थी और राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा था। जिले में कलेक्टर महोदय के निर्देश से जो ऐसे डंपर जो कि अपना बॉडी में एक्सटेंशन कर लिए थे और उसमें ओवरलोड रेत लेकर परिवहन कर रहे थे, ऐसे वाहनों को कल देवसर में जांच लगा कर पकड़ा गया। 4 वाहन इसमें जब्त किए गए। जब्त करने पर साफ जो ओरिजिनल बॉडी में जो उन्होंने एक्सटेंशन कराया था उसको कटवाया गया। ऐसा रेत वगैरह लोड नहीं था तो बाकी तो कार्रवाई कोई नहीं हुई है, लेकिन बॉडी को कटवाया गया। और कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि संपूर्ण सिंगरौली क्षेत्र अंतर्गत कोई भी ऐसा वाहन जिसने अपने बॉडी में एक्स्ट्रा लार्ज बढ़ोतरी किया है ऐसे वाहनों को नहीं चले गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।